आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हमारी जो क्राइम ब्रांच है मुंबई, नई मुंबई पुलिस की, हमारे एडिशनल सीपी महेश घुरिया साहब, डीसीपी सुरेश मेंगड़े, एसीपी वस्त, सीनियर पीआई सेंट्रल यूनिट के भोसले साहब और हमारे बाकी जो इंचार्ज हैं यूनिट के, उसमें सिंधे साहब हैं, माड़ी साहब हैं यूनिट थ्री के, गोरे साहब हैं, बाकी सभी अधिकारी कर्मचारी, मेरी जो टीम है इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। और हमारे यहाँ जो ये जोन टू का जिसको एरिया बोलते हैं, हम यहाँ से पनवेल से लेकर के उरन और नवा सेवा गवान और उस एरिया में एक्टिव जो एक गैंग थी, उसका जो मुख्य सूत्रधार विक्रांत देशमुख उर्फ विकी देशमुख करके है, इसके ऊपर इसके पहले भी 38 केसेस दाखिल हैं और बाकी इनके जो मेंबर्स हैं उस पर किसी पे 14 केसेज हैं, किसी पे 10 केसेज हैं और 5 MCOC केसेज लगे हुए हैं। पहले भी ये जेल में रहा है, मतलब गैंग के लोग जेल में रहे हैं, फिर बाद में बाहर आए। इन्होंने इसके पहले जेलर पे फायरिंग भी किया हुआ है और ये बड़ा ही साथी बहुत चालाक अपराधी है और इसको पकड़ने के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ा। हमारे लोग काफ़ी दिन से इसके पीछे लगे थे। इसकी खास बात थी कि ये कोई कम्युनिकेशन सिस्टम को यूज नहीं करता था, तो फिर भी इसको हमारे लोगों ने बड़े ही अच्छे तरीके से तपास करके इनको अरेस्ट किया गोवा से पिछले महीने में। गोवा में आपको पता होगा कि ये कैसिनो में वहाँ पे गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद इसके पास से पिस्टल जब्त किया। इसके बाद में तपास करते करते अभी तक हम लोगों ने इस गैंग के 11 लोगों को फ्रेश अभी अरेस्ट किया हुआ है इसमें, और करीब अभी 6 इन्वेस्टिगेशन, 6 केसेज, उसमें 2 केस मर्डर का है, एक निरुल का जो मर्डर का है, वो सचिन गर्जे पहले जिसमें 4 आरोपी गिरफ्तार हो गए थे, वो केस वापस उसमें जो वांटेड थे ये विकी देशमुख और बाकी इसके साथीदार, उस केस में ही 11 लोग अभी गिरफ्तार हुए हैं। इसके बाद में एक अशोक घरत का किडनैपिंग और मर्डर का केस है नवा सेवा का, उसमें भी 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। उसके बाद में एक्सटॉर्शन के 2 केसेज हैं, इसमें NRI का केस है जिसमें एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी से इसने 10% की भागीदारी मांगे थी एक्सटॉर्शन के रूप में, और नवा सेवा का भी एक एक्सटॉर्शन केस है जिसमें क्रशर चलाने वाले व्यक्ति से इन्होंने 80 लाख रुपए लिए और बाद में उसने क्रशर बंद कर दिया, तो इन्होंने कब्जा कर लिया क्रशर को, 3 उसमें भी अरेस्ट हो गए हैं। उसके बाद में ये दोनों जो मेन आरोपी हैं विकी देशमुख और बाला देशमुख, इन दोनों पे अलग अलग CBD में और दूसरे पुलिस स्टेशन में NRI में रेप 376 और 3